हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली मेकअप लुक। बहुत ही इजी होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो ये मेकअप लुक सिर्फ दिवाली के लिए नहीं, आप वेडिंग सीजन आ रहा है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, कहीं भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं अभी क्रिएट करूंगी। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना, और या ये आपका काम है, एंड बेल आइकन को ऑल्सो प्रेस करना ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्किन को प्रेप करूंगा। मैं यूज कर रही हूँ फेस ऑयल टैग का, ये वाला फेस ऑयल जो मुझे रिसेंटली कोलैब में रिसीव हुआ है। मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है। मैं यूज कर रही हूँ मैबलिन फिटमी का ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हैंड पे लूंगी पहले, और फिर इसको मैं डॉट डॉट करके फेस पे लगा के इसको ब्लेंड कर लूंगी। और मैं ले रही हूँ एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको मैंने अच्छे से पानी में डाल के निचोड़ लिया है, अच्छे से पानी सारा निकाल लिया इसका, ताकि अच्छे से ब्लेंड कर दे। एंड फर्स्ट टाइम में कभी भी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी होती फाउंडेशन या कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लो। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा लो। तो ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन है, और ये फेस्टिव सीजन वेडिंग सीजन के लिए बहुत सही फाउंडेशन है, आप ये ले सकते हैं। इससे आपकी जो पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं विदाउट कोई भी करेक्टर यूज़ किए। इसलिए मैं करेक्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, हालांकि मेरी काफ़ी पिगमेंटेशन एंड एक्ने मार्क आपको दिख रहे होंगे स्किन पे। तो लेकिन अभी इसको अप्लाई करने के बाद देखना, काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है अभी तक का सब फाउंडेशन में से। कंसीलर का टर्न होता है, सबसे पहले हम फाउंडेशन लगाते हैं, कुछ कंसीलर भी पहले लगाते हैं बट मैं कंसीलर बाद में लगाती हूँ। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर इन शेड बीज क्लियर, ये शेड है। एंड थोड़ा सा लेके इसको मैं अपनी आईज के नीचे यहाँ पे ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ बस। लिप्स के राउंड, थोड़ा सा चिन के नीचे और यहाँ पे, ताकि आपका जो कॉन्टोर है और आपका जो फेस है वो थोड़ा सा, मतलब फेस स्ट्रक्चर नज़र आए, थोड़ा पतला लगे फेस, इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ, मतलब इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले यही लाइन ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ना कम लगाती हूँ, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और गाइस, आप लोग कैसे हो? मेरी वीडियोज़ पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं बाय द वे। इन दिनों थोड़ा सा मैं कंटिन्यू भी नहीं अपलोड कर रही वीडियोस या शॉर्ट्स कुछ भी, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा DIY कर रही हूँ, उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। सो अभी और DIY आएगा, उसका डिटेल वीडियो भी आएगा, वो जल्दी चैनल पर। थोड़ा सा आइज़ के ऊपर भी ले रही हूँ, क्योंकि फिर आइज़ का जो मेकअप लुक है वो थोड़ा सा निकल कर आएगा, हाईलाइट हो जाएगा, अदरवाइज़ यू नो पिगमेंटेशन तो आइज़ के ऊपर भी है ब्लैक। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कंसीलर ब्लेंड हो जाता है फटाफट इसको पैक करना होता है, कोई क्रीज ना बन जाए। क्रीज बन जाती है तो वो केकी मेकअप लुकता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का ये लूज पाउडर, मैबलिन फिटमे का लूज पाउडर, बहुत ही अच्छा ये लूज पाउडर है, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पाउडर। इसको जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहीं ही लगाऊंगी, इसके अलावा कहीं नहीं लगा रही। जस्ट फिर जो ब्रश पे बचेगा एक्स्ट्रा, उसको सारे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी like this। और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिगमेंट प्ले की पैलेट, जिसमें से ये ब्लैक शेड और ब्राउन शेड दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। ज़्यादातर पैलेट से ही अपने आईब्रो फिल करती हूँ, अलग से प्रोडक्ट है मेरे पास पर मुझे ना लेना बहुत हार्ड लगता है, कहीं भी जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं पैलेट में से ही अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। तो आईब्रो बन चुकी है इस साइड की, और इस साइड की अभी लाइट है, यू कैन सी द डिफरेंस। हमेशा फ्रंट से थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, अभी इसको मैं मतलब स्कूली से कर लूँगी एडजस्ट। आईब्रो हो गई है दोनों साइड की, अब हम मूव करते हैं आई मेकअप की। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर शुगर का काजल, शुगर ब्रांड का काजल है ये, ब्लू कलर का मतलब इसका शेड है। और सबसे पहले मैं इसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, और सेम काजल को मैं एज ए लाइनर ऊपर आईज़ के ऊपर लगाऊंगी, फिर इसको बाद में ब्लेंड करेंगे हम। उसके बाद उसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर लूँगी, पहले नीचे का काजल मैं ब्लेंड कर रही हूँ वाटर लाइन पर, ब्लेंड कर लिया है, अभी मैं ब्लेंड करूँगी ऊपर का काजल। तो ये हो गया ब्लेंड इस साइड से, एंड इस साइड वाला बिना ब्लेंड के, और आप देख लो डिफरेंस कितना है बिना ब्लेंड के और ब्लेंड वाला। तो दोनों साइड मैंने ब्लेंड कर लिया है काजल को, और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पिगमेंट प्ले की पैलेट में से ये वाला शिमर ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी इसको, अपनी फिंगर भी ले लूँगी इस तरीके से लेकर, और यहाँ अप्लाई कर दूँगी।
आई थिंक थोड़ा ऊपर और करना चाहिए ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा नीचे अभी क्रीज कंप्लीट करनी चाहिए। ओके एंड उसको थोड़ा सा ना यहाँ भी अप्लाई करके ऊपर की ओर लेके जाते हैं, कंप्लीट इसको लुक करते हैं। आई नो थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश मैंने गलत ले रखा है, थोड़ा सा ब्राउन और पीच सा शेड लेके मैं क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर से ब्लू कलर वही शिमर शेड लगा रही हूँ, सारी आई लिड पर अप्लाई कर दूंगी, उसके बाद अच्छे से इसको ऊपर से ब्लेंड कर दूंगी। मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का मस्कारा, मैं फोर्स लेसेस नहीं लगा रही, सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और उसके मैं दो कोट लगा लूँगी। तो आई मेकअप हो गया डन, अब हम करते हैं फेस मेकअप। तो मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर के लिए माई ग्लैम का ये कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें दो शेड हैं, दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड यू नो कॉन्टोरिंग मुझे बहुत पसंद है, आई कांट लिव विदाउट कॉन्टोरिंग, सीरियसली नो मेकअप लुक करना हो ना तो भी मुझे कॉन्टोर करना ही करना है। इससे ना फेस एक तो पतला लगता है और दूसरा मुझे फेस की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी लगती है, चाहे पतला फेस हो तो भी कॉन्टोर बहुत ज़रूरी है। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी अपनी चिक्स पर जहाँ हम कॉन्टोर लगाते हैं एंड देन जो लाइन पर, ऑब्वियसली जो लाइन भी आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, यहाँ पर लगा लूँगी और फिर बाद में इससे अपना नोज़ कॉन्टोर कर लूँगी। और नोज़ कॉन्टोर करने के लिए मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ, आई ब्रश है ये, इससे अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ब्रश 011, इसका शेड है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ये वाला शेड है। यहाँ पे अप्लाई करूँ, कुछ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं वो वाला नहीं, मैं तो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे तो इसलिए मैं ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई कर रही हूँ, लाइक जहाँ पे मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ सेम जगह पे मैंने अपना ब्लश रखा है। बाय द वे ब्लश और कॉन्टोरिंग का जो टेक्निक है वो फेस वाइज होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहीं कॉन्टोर लगेगा। तो हालांकि कॉन्टोर का जो स्टार्टिंग एरिया है वो यहाँ से है, बट मेरा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कॉन्टोर, तो ये फेस के अकॉर्डिंग होता है। थोड़ा सा चिन पे एंड थोड़ा सा नोज के सेंटर पर। थर्ड जो है हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का ये क्रोम स्टूडियो हाइलाइटर बाय फेस स्टूडियो सॉरी। तो ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ये हाइलाइटर है, इसको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी, यहाँ पर जहाँ पर हम अपना कॉन्टोर ब्लश करते हैं उसके जस्ट ऊपर हाइलाइटर अप्लाई होता है। सो ये एरिया होता है हाइलाइटर, और हाइलाइटर के बिना मेकअप बहुत मैट लगता है। देन जस्ट नोज़ के सेंटर पर, नोज़ की ब्रिज लाइन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एंड लिटल बिट फोर हेड के बिल्कुल सेंटर में, ताकि हमारा ये जो पोर्शन एकदम शार्प लगे हैं, थोड़ा स्लिम लगे फेस, और ये हाइलाइटिंग एरिया होते हैं चिन पे, वो थोड़ा सा लिप्स के यहाँ। और आईब्रो के नीचे दोनों साइड थोड़ा सा हाइलाइटर इनर कॉर्नर पर, आईज के बस। अब मैं लिप्स को लाइन कर लिया है सिस ब्यूटी का प्लानर एंड आई हैव टू शेड, आज मेरा जो मन है ये है सिस ब्यूटी का 22 शेड, ये सिस ब्यूटी की लिपस्टिक एंड दिस इज ब्लोरा पेरिस से लिपस्टिक का ये शेड है 28 नाइट आउट। तो ये थोड़ा सा पिंकिश पीच काइंड ऑफ शेड है एंड ये ब्राउनिश नूड डार्क मतलब ब्राउन काइंड ऑफ शेड है, यहाँ पर लगा भी हुआ मेरे हाथ पे ये वाला शेड है। सो आई एम कन्फ्यूज क्योंकि बहुत ज़्यादा नूड शेड एंड ब्राउन शेड लगाती हूँ, रेड पीच या फिर कोरल कुछ इस काइंड ऑफ शेड मैं नहीं लगाती। सो आई एम कन्फ्यूज, मुझे पता है कि जब मैं ये लगा लूँगी तो मुझे होगा कि मैंने ये वाला नहीं लगाया। चलो इसी शेड के लिए जाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मुझे पता है ये लगने के बाद मुझे होगा कि मैंने क्यों लगा लिया, पर चलो कोई बात नहीं, उतारने का ऑप्शन भी तो होता है। ऐसा शेड है ये वाला, जाएगा मेरी आई मेकअप के साथ। अब गैस हो जाएगा ना, आई नो थोड़ा आई मेकअप डार्क एंड लिपस्टिक भी डार्क हो जाएगी।
चलो लगा लेते हैं, क्या ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो फेस्टिव सीजन में भी हम लाइट लाइट रहेंगे, तो फिर क्या ही अंतर है, ऑफिस एंड कॉलेज में हम लाइट लाइट रहते हैं, लगा लेते हैं। तो ये फाइनल मेकअप है, कैसा लगा आपको लेट मी नो इन कमेंट्स। ब्लू मेकअप है, आप कोई भी ड्रेस का, आपकी मतलब कोई भी ड्रेस का कलर है आप वो कलर फील कर सकते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि ब्लू ही करना है, तो ऐसा भी नहीं है कि दिवाली पे ही करना है, कोई भी ओकेजन है उस पर आप ये मेकअप कैरी कर सकते हैं। सो दैट्स अ फाइनल लुक, कैसे लगी आपको वीडियोज कमेंट में जरूर बताना, और कैसी वीडियोज चाहिए आपको वो भी मुझे जरूर बता देना। तो अब मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय।